हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शाहरुख खान के बारे में लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, शाहरुख खान के लेटेस्ट अपडेट ये है कि शाहरुख खान बनने जा रहे हैं रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर। प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी भारतीय बाजार में जबरदस्त धमाका करने वाली है। कंपनी एक और जहाँ जून में 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले फ़ोन रियलमी 11 प्रो सीरीज को पेश करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर को भी लेकर आने वाली है। इसकी घोषणा कुछ ही समय में ऑफिशियल कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले ही 91 मोबाइल को एक्सक्लूसिव तौर पर जानकारी मिली है कि रियलमी अपना ब्रांड एम्बेसडर पठान नाम से मशहूर शाहरुख खान को बनाने वाली है। 91 मोबाइल को इस बारे में एक एक्सक्लूसिव जानकारी इंडस्ट्री से मिली है। सोर्स की माने तो इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि रियलमी अपने किसी फोन के लिए एड शूट कर रही है और मॉनिटर के पीछे रखी कुर्सी पर एक जगह शाहरुख खान और रियलमी का नाम लिखा हुआ है। खबर के अनुसार कंपनी शाहरुख खान के साथ पहला विज्ञापन रियलमी 11 प्रो सीरीज के लिए करने वाली है। यह कंपनी की अपकमिंग फोन है जो पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहा है और जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। गौरतलब है कि इससे पहले कंपनी सलमान खान को रियलमी 7 सीरीज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है। वहीं भारतीय क्रिकेटर राहुल, आयुष्मान खुराना और श्रद्धा कपूर जैसे सेलिब्रिटी भी रियलमी फोन के लिए विज्ञापन कर चुके हैं। अब कंपनी बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को लेकर आए हैं, जिनकी भारत में बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में उनकी फिल्म पठान ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी काफी अच्छा किया है। ऐसे में कंपनी को इस सुपरस्टार के नाम का काफी फायदा मिलने का उम्मीद है। तो दोस्तों, इस न्यूज को लेके बहुत सारे यूजर्स ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, तो चलिए देखते हैं उनके कमेंट्स। एक यूजर कहता है, अब केएल राहुल का क्या होगा। दूसरा यूजर कहता है, नाउ द प्राइस ऑफ रियलमी फोन विल इंक्रीज बाई 2-4 एज SR कैंडोसमन चार्ज इज द हाइएस्ट इन BW। दूसरा यूजर कहता है, सलमान खान के आने से 2-3 के महंगे हुए थे, अब शायद 5-6 के महंगे हो जाएंगे। एक यूजर कहता है, याद दे शुड एक्चुअली पुट SR के फोटो ऑन द बॉक्स, आई वुड बाय इट फॉर श्योर। दूसरा यूजर कहता है, SR के को एड की पेमेंट देने की बजाय प्राइस कम करते तो यूजर्स को बेनिफिट होता। दूसरा कहता है, रॉन्ग डिसीजन बाय शाहरुख साहब, तो भी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस चाइनीज कंपनी ही शुड रिजेक्ट दिस। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में, क्या शाहरुख खान को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।